Hello everyone, in this video you will get to know what is descriptive statistics and what are the different methods of descriptive statistics. So let us start. Pandas is a well-established Python library used for the manipulation, processing and analysis of डेटा. पांडास क्या है? पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका यूज किया जाता है डेटा के मैनिपुलेशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, डेटा के एनालिसिस के लिए. राइट, पाइथन पांडास हैज द एबिलिटी टू मैनिपुलेट सम स्टेटिस्टिकल डेटा एंड कैलकुलेट रिजल्ट्स ऑफ वेरियस स्टेटिस्टिकल ऑपरेशंस. तो यहाँ पे जो स्टेटिस्टिकल डेटा क्या होता है, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन सम सर्वेस, ठीक है, कुछ सर्वे के थ्रू आपने डेटा को कलेक्ट किया. लाइक आपको लिटरेसी रेट पता करना है विद इन अ सिटी और विद इन अ कंट्री, तो आप क्या करोगे, सर्वे के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करोगे. तो सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज स्टेटिस्टिकल डेटा. राइट, ओके. तो ये जो स्टेटिस्टिकल ऑपरेशंस होते हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म करती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स, ओके, लिटरेसी रेट स्टेटिस्टिक्स. राइट, तो यहाँ पे पाइथन पांडास हेल्प करता है क्या करने के लिए, स्टेटिस्टिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए. राइट, ऑन स्टेटिस्टिकल डेटा. राइट, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स आर यूज्ड टू समराइज द गिवन डेटा. डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की हेल्प से आप डेटा को कम्प्लीटली समराइज कर सकते हो. समराइज मीन्स आप उसका एक रिजल्ट निकाल सकते हो जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है. इन अदर वर्ड्स दे रेफर टू द मेथड्स विच आर यूज्ड टू गेट सम बेसिक आइडिया अबाउट द डेटा. तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स क्या प्रोवाइड करता है, मेथड्स प्रोवाइड करता है जिससे आप डेटा को क्या कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और उसका एक आउटकम आप निकाल सकते हो. राइट, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिकल मेथड्स दैट कैन बी अप्लाइड टू अ डेटा फ्रेम आर. तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिकल मेथड्स कौन से हैं जिन्हें हम डेटा फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं? मैक्स, मिन, काउंट, सम, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, वेरियंस एसेट्रा. राइट, तो वी विल डू दीज मेथड्स वन बाय वन. डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट किया है. ओके, ये हमारा डेटा फ्रेम है. डिक्शनरी की हेल्प से हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है जिसमें तीन कॉलम्स हैं, नेम, एज एंड स्कोर. राइट, सो वी विल यूज दिस डेटा फ्रेम इन आर फंक्शंस. फर्स्ट वी हैव मैक्स फंक्शन. मैक्स फंक्शन इज यूज फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज. तो मैक्स फंक्शन का क्या यूज है, आपके पास जो गिवन सेट ऑफ वैल्यूज है या उसमें से क्या करेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे लार्जेस्ट मोस्ट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेगा. और कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम और सीरीज, या फिर आप डेटा फ्रेम के कॉलम में से या सीरीज के कॉलम में से अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, ओके, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, तो किसका यूज करोगे, मैक्स फंक्शन का आप यूज करोगे. राइट, सिंटेक्स क्या है मैक्स फंक्शन का, डीएफ क्या है, हमारा डेटा फ्रेम का नेम, ओके, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉलम नेम, जिस कॉलम में से आपको मैक्स वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको जिसमें से सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है उस कॉलम का नेम, डॉट मैक्स फंक्शन. राइट, डीएफ इज द डेटा फ्रेम नेम, कॉलम का नेम, डॉट मैक्स फंक्शन. ओके, यहाँ पे एक हमारे पास एग्जाम्पल है, टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम एज, आपको कॉलम एज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे डीएफ क्या है, डेटा फ्रेम का नेम, जो ये आपका डेटा फ्रेम है उसका नेम है डीएफ. ओके, आपने विद इन स्क्वायर ब्रैकेट नेम ऑफ द कॉलम डॉट मैक्स. राइट, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको गूगल कॉलैब पर एग्जीक्यूट किया था, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर है. देखो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज निकल के आ गई 27, तो इसमें हम देखेंगे जो मैक्सिमम एज है वो 27 है. राइट, तो मैक्स फंक्शन की हेल्प से आप डेटा फ्रेम की कॉलम से, ओके, क्या कर सकते हो, मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हो. राइट, और इसके एग्जांपल्स देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम नेम, अब कॉलम नेम में से हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं. राइट, तो यहाँ पे आपने दिया डीएफ, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नेम, नेम है जो डॉट मैक्स. अब यहाँ पे देखो आपका जो रिजल्ट आया है वो स्नेहा आया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एस्काई वैल्यूज कंपेयर होंगी अल्फाबेट्स की. राइट, एस्काई वैल्यू कंपेयर होगी, तो आपका देखो एस हैज द हाईएस्ट एस्काई वैल्यू, द आउटपुट इज सो ऑब्टेन. राइट, तो यहाँ पे ए जो कैपिटल ए है उसकी एस्काई वैल्यू क्या है, 60, ऐसे आपकी कंटिन्यू होती रहेगी, जी तक आपकी क्या हो जाएगी, जी की एस्काई वैल्यू होगी 90. तो यहाँ पे जो हाईएस्ट एस्काई वैल्यू है वो किसकी है, एस की है, इसलिए यहाँ पे जो स्नेहा को क्या माना गया है, मैक्सिमम वैल्यू माना गया है. राइट, ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, टू गेट मैक्सिमम वैल्यूज
फ्रॉम ऑल द कॉलम्स ऑफ द डेटा फ्रेम. अगर आपको डेटा फ्रेम के जो जितने भी कॉलम्स है सारे कॉलम्स में से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो सिंपली आपने क्या किया है, df डॉट मैक्स फंक्शन दे दिया है, राइट. तो आपका नेम कॉलम में से स्नेहा आ गया लार्जेस्ट वैल्यू, एज में से 27 लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्कोर 90 लार्जेस्ट वैल्यू, राइट. df डॉट मैक्स फंक्शन, तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट डेटा फ्रेम के जितने भी कॉलम्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ईच कॉलम निकल के आ गई है. ओके, नेक्स्ट वी हैव मिन फंक्शन. मिन फंक्शन इज यूज फॉर फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज और कॉलम्स ऑफ अ डेटा फ्रेम और सीरीज. तो मिन फंक्शन का क्या यूज है, इसकी हेल्प से आप अगर गिवन सेट ऑफ वैल्यूज है उसमें सबसे छोटी वैल्यू मीन्स मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हो, आप डेटा फ्रेम के कॉलम्स में से मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हो, डेटा फ्रेम या सीरीज के कॉलम में से आप मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो. मिनिमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू को, राइट. सिंटेक्स क्या है आपका, df क्या है, डेटा फ्रेम का नेम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम डॉट मिन फंक्शन, राइट. टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम स्कोर, हमें कॉलम स्कोर की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, राइट. तो क्या सिंटेक्स आप लिखोगे, क्या कमांड लिखोगे, df डेटा फ्रेम का नेम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट स्कोर डॉट मिन फंक्शन, राइट. तो इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है 50 वो यहाँ पे एज अ आंसर आ गई है, राइट. ओके, तो नाउ वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम नेम. ओके, कॉलम नेम में से आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या होगी, एस्काई वैल्यू, करेक्टर्स की एस्काई वैल्यू कंपेयर होगी, राइट. तो df नेम, df डेटा फ्रेम का नाम, ओके, नेम क्या है कॉलम का नेम, डॉट मिन, राइट. तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू आई है वो क्या आई है, आरोही आई है, क्योंकि देखो यहाँ पे ए से फर्स्ट ए से स्टार्ट हुए दो नेम, ओके. तो पहले ए ए कंपेयर हुआ, नहीं तीन नेम है, राइट. पहले ए ए कंपेयर हुआ इक्वल है, फिर उसका जो नेक्स्ट लेटर है वो कंपेयर हुआ इसका आर देन ए एंड देन एन. तो इसमें ए की जो एस्काई वैल्यू है, राइट, वो क्या है, स्मॉल है. देखो यहाँ पे स्मॉल ए है तो ये 97 होगा इसका एस्काई वैल्यू, और राइट तो और जो आर है और एन है उनकी एस्काई वैल्यू क्या है, इससे ज्यादा है. तो जो मिनिमम जो सबसे छोटी जो वैल्यू है नेम कॉलम के अंदर वो है आरोही, राइट. टू गेट द मिनिमम वैल्यूज फ्रॉम ऑल द कॉलम्स ऑफ द डेटा फ्रेम, अगर डेटा फ्रेम के सारे कॉलम्स में से मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो सिंपल आप क्या लिखोगे, डेटा फ्रेम का नेम डॉट मिन फंक्शन. तो आपका नेम कॉलम में से सबसे छोटी वैल्यू आ गई आरोही, एज में से 21 आ गई है एंड स्कोर आपका आ गया 50, राइट. ओके, नेक्स्ट वी हैव सम फंक्शन. ओके, सम फंक्शन इन पांडास इज यूज टू एड ऑल ऑफ द वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम और सीरीज. तो सम फंक्शन का क्या यूज है, इसकी हेल्प से आप किसी भी कॉलम की, डेटा फ्रेम के कॉलम की वैल्यूज को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, उनका सम निकाल सकते हो. ओके, सम फंक्शन पांडास इज यूज टू एड ऑल द वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम, किसी भी कॉलम के जितनी भी वैल्यूज है उनका आप क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो, राइट. सिंटेक्स क्या है, df df डेटा फ्रेम का नेम, ओके, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम डॉट सम फंक्शन, राइट. टू गेट एग्जाम्पल देखेंगे, टू गेट द टोटल ऑफ कॉलम स्कोर, आपको जो कॉलम स्कोर है उसकी वैल्यूज का क्या करना है, सम निकालना है. तो आप क्या करोगे, df, df क्या है, डेटा फ्रेम का नेम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट स्कोर, स्कोर क्या है, कॉलम का नेम डॉट सम. तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज थी उनका सम निकल के आ गया है आपके पास 795, राइट. सम फंक्शन स्किप्स द मिसिंग वैल्यूज, नल वैल्यूज और एनी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट. सम फंक्शन क्या करता है, नल वैल्यूज को स्किप कर देता है, नॉट अवेलेबल वैल्यूज को, एनी मीन्स नॉट अवेलेबल वैल्यूज को स्किप कर देता है, राइट. ओके, अब देखो अगर आप क्या करना चाहते हो, कॉलम नेम का सम करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, इन स्ट्रिंग वैल्यूज है, नेम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज है, अल्फाबेट्स है, करेक्टर्स है, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप एडिशन करते हो स्ट्रिंग वैल्यूज का तो क्या होता है, कॉनकैटिनेशन होता है. कॉनकैटिनेशन मीन्स वो ज्वाइन हो जाता है, राइट. तो यहाँ पे देखो df डेटा फ्रेम का नेम, आपने कॉलम नेम लिया नेम डॉट सम, तो आपके पास जो वैल्यूज आई है वो कैसे आई है, कॉनकैटिनेटेड होके आई है, मीन्स सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज थी नेम कॉलम के अंदर वो ज्वाइन हो के आ गई है, राइट. तो आपके पास यहाँ पे कॉनकैटिनेशन होगा अगर आपके कॉलम के अंदर वैल्यूज किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है. ओके, नेक्स्ट वी हैव काउंट फंक्शन. काउंट फंक्शन इज यूज टू गेट द नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट इन अ कॉलम और रो. तो काउंट फंक्शन का क्या यूज है, इसकी हेल्प से आप डेटा फ्रेम के कॉलम्स
में कितनी वैल्यूज है उसको काउंट कर सकते हो, या डेटा फ्रेम की रोज में कितनी वैल्यूज है उसको काउंट कर सकते हो, राइट। पर्टिकुलर कॉलम में, पर्टिकुलर रो में कितनी वैल्यूज है आप काउंट फंक्शन की हेल्प से काउंट कर सकते हो। इट काउंट ऑल द नॉन एन ए एंट्रीज, ओके। और ये क्या काउंट करेगा, नॉन एन ए नॉट अवेलेबल एंट्रीज जो होती है अगर वो है उनको काउंट नहीं करेगा। तो नॉन मतलब जहां पे क्या है, नॉन एन ए एंट्रीज, नॉन एन ए एंट्रीज मीन्स नॉट अवेलेबल एंट्रीज नहीं है, राइट। फॉर ईच रो और कॉलम द वैल्यू नन, नैन, नॉट अ नंबर एक्सेट्रा कंसिडर्ड एज एन ए इन पांडा। सो बेसिकली क्या कहना चाहता है, जहां वैल्यूज होगी वही काउंट होगी। अगर नल होगा, एन ए होगा या एन ए एन होगा, एन ए क्या होता है नॉट अवेलेबल, एन ए एन क्या होता है नॉट अ नंबर वैल्यू, राइट, उसको ये काउंट नहीं करेगा, ओके। सिंटेक्स क्या है काउंट फंक्शन का, डीएफ, डीएफ डेटा फ्रेम का नेम, कॉलम नेम डॉट काउंट, ओके। और काउंट फंक्शन के अंदर आप एक्सेस को पास करवा सकते हो। एक्सेस जीरो मींस आप कहां, ये कैसे काउंट करेगा, कॉलम वाइज काउंट करेगा, और एक्सेस वन करोगे तो ये रो वाइज काउंट करेगा, राइट। देखो हियर एक्सेस होल्ड द वैल्यू फॉर जीरो और इंडेक्स विच मींस काउंट फंक्शन इज परफॉर्म फॉर द कॉलम। अगर एक्सेस जीरो है मींस तो ये जो काउंट फंक्शन होगा वो कैसा होगा, कॉलम वाइज होगा, कॉलम का काउंट फंक्शन कॉलम की वैल्यूज को काउंट करेगा, ओके। और बाय डिफॉल्ट भी क्या होता है, एक्सेस जीरो होता है। अगर आपने कुछ भी एक्सेस पास नहीं किया तो वो कॉलम वाइज ही वैल्यूज को काउंट करेगा। अगर आपने एक्सेस वन पास किया है तो वो क्या करेगा, जो रो वाइज है उसको काउंट करेगा, ओके। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, टू गेट द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज फॉर नेम कॉलम, नेम कॉलम में कितनी एंट्रीज है हमें काउंट करनी है, तो डीएफ, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नेम डॉट काउंट फंक्शन। सिंपल, आपके पास एंट्रीज आ गई, नंबर ऑफ एंट्रीज 11, राइट, नंबर ऑफ एंट्रीज है आपके पास 11। नेक्स्ट, टू गेट टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम, अगर आप चाहते हो जो डेटा फ्रेम है उसके जितने भी कॉलम्स हैं, राइट, उसका क्या आ जाए, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाए, राइट। तो यहाँ पे देखो एक्सेस हमने कुछ भी नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस क्या होगा, जीरो एक्सेस, जीरो एक्सेस मीन्स कॉलम एक्सेस। तो ये कैसे काउंट करेगा, कॉलम वाइज काउंट करेगा। तो यहाँ पे देखो नेम कॉलम में कितनी वैल्यूज है, 11, एज में 11 एंड स्कोर में 11 वैल्यूज है, ओके। और अगर आपको रो वाइज वैल्यूज को काउंट कराना है तो आप क्या करोगे, एक्सेस वन दोगे। टू गेट द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच रो, तो आप क्या कमांड दोगे, डीएफ डॉट काउंट फंक्शन, और काउंट फंक्शन में आपने एक्सेस की वैल्यू क्या दे दी, एक्सेस इक्वल्स टू वन, राइट, वन मीन्स रो वाइज, ओके। तो यहाँ पे देखो रो वाइज 3 वैल्यूज आ गई है, ओके, ईच रो में कितनी वैल्यू है आपकी 3, राइट। Now we have mean function. The mean function in Python pandas is used to calculate the arithmetic mean or average of a given set of values or number. तो mean function का क्या use होता है, इसकी help से आप values का क्या निकाल सकते हो, average निकाल सकते हो, उनका mean निकाल सकते हो, mean of a data frame, data frame की value का mean निकाल सकते हो, mean of columns and rows of the data frame. तो mean क्या होता है, mean क्या होता है, जैसे आपके पास मान लो 4 values है, राइट, तो आप क्या करोगे, उन 4 वैल्यूज को आप उन 4 वैल्यूज का एडिशन निकालोगे। जैसे मेरे पास 4 वैल्यूज है, मैं उन 4 वैल्यूज का एडिशन निकालूंगी, राइट, मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू ले लिया और इनको डिवाइड कर दूंगी टोटल नंबर बाय 4, राइट। इनका एडिशन किससे डिवाइड होगा, 4, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, 4, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, राइट। द सिंटेक्स ऑफ मीन इज, मीन फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, डीएफ, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम नेम डॉट मीन, राइट, मीन फंक्शन, ओके। पासिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्सेस इक्वल टू 0 इन मीन फंक्शन रिटर्न्स द मीन ऑफ एवरी सिंगल कॉलम। तो अगर आपने यहाँ पे मीन फंक्शन में एक्सेस पास किया 0, तो क्या होगा, जो कॉलम्स है, ओके, डेटा फ्रेम की कॉलम्स है, न्यूमरिक कॉलम्स है, ध्यान रखना न्यूमरिक कॉलम्स है, उनका मीन निकल के आ जाएगा, उनकी एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर आपने एक्सेस 1 पास किया तो जो रो है, डेटा फ्रेम की रोज है, ओके, ईच रो, उनका क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा, ओके, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, टू गेट द मीन ऑफ न्यूमरिक कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम। अब ये आपको याद रखना है कि जो मीन निकलेगा वो सिर्फ न्यूमरिक कॉलम्स का निकलेगा, और सिर्फ उन कॉलम्स का निकलेगा जिनके अंदर नंबर वैल्यूज है, जिनके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज है, उनका मीन नहीं निकलेगा, राइट। तो आपने यहाँ पे कमांड दिया डीएफ डॉट मीन और एक्सेस पास कर दिया 0, 0 मीन्स कॉलम वाइज, ओके। तो कॉलम वाइज नेम का तो आपका निकलेगा नहीं, एज का मीन निकल के आ जाएगा, एज की जितनी भी वैल्यूज है उनका एडिशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यूज, राइट। तो आपका एज की एवरेज वैल्यू आ गई है और स्कोर की एवरेज वैल्यू आ गई है, राइट, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, टू गेट द मीन ऑफ न्यूमरिक रोज ऑफ डेटा फ्रेम,
राइट अब आपने क्या कर दिया, रो वाइज आपने निकालना है एवरेज. ओके तो रो वाइज आपने निकाल लिया df डॉट मीन एक्सिस वन. तो रो वाइज क्या होगा, ये ऐसे करके ये फर्स्ट टू वैल्यूज का एवरेज, देन सेकंड टू वैल्यूज का, थर्ड टू वैल्यूज का, करके ऐसे करके आपके पास रो वाइज एवरेज निकल के और यू कैन से मीन निकल के आ गया यहाँ पर. ओके अगर आपको कंप्लीट डेटा फ्रेम का मीन निकालना है, आपने टू गेट द मीन ऑफ द डेटा फ्रेम, सिंपल आपने क्या किया, डेटा फ्रेम का नेम डॉट मीन फंक्शन, राइट, और कोई भी आपने एक्सेस पास नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट कॉलम वाइज इसका मीन निकलेगा, एवरेज वैल्यूज निकलेगी. जो नेम कॉलम है उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज है तो इसमें मीन फंक्शन अप्लाई नहीं होगा. एज का आपकी एवरेज वैल्यू आ गई है, स्कोर की आपकी एवरेज वैल्यू आ गई है, राइट. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, टू गेट द मीन ऑफ द कॉलम स्कोर, आपको अगर पर्टिकुलर कॉलम का निकालना है मीन एवरेज निकालनी है तो आपने यहाँ पे लिखा df स्कोर डॉट मीन. तो यहाँ पे स्कोर कॉलम की जितनी भी वैल्यूज है उनका क्या निकल के आ गया है, उनका आपका एवरेज वैल्यू निकल के आ गई. देखो यहाँ पे भी सेम यही रिजल्ट है, सेम यही रिजल्ट है. ओके नेक्स्ट वी हैव मीडियन फंक्शन. मीडियन फंक्शन इन पाइथन पांडास इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मीडियन और मिडल वैल्यू ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स. तो मीडियन फंक्शन का क्या यूज है, अगर आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स है उसमें से वो क्या फाइंड आउट करेगा, मिडल वैल्यू, जो सबसे बीच की वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करेगा. मीडियन ऑफ अ डेटा फ्रेम, अगर आपको डेटा फ्रेम में से मीडियन निकालना है वैल्यूज के अंदर से, मीडियन ऑफ अ कॉलम, कॉलम वैल्यूज में से कोई मिडल वैल्यू निकालनी है, मीडियन ऑफ अ रोज, राइट. नाउ सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है आपका df कॉलम नेम ओके एंड डॉट मीडियन फंक्शन, राइट. तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब मीडियन फंक्शन अप्लाई करते हो तो सबसे पहले वैल्यूज अरेंज हो जाती है असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर मींस फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट वैल्यू, और फिर उनके बीच की जो मिडिल वैल्यू होती है वो फाइंड आउट होती है. ओके तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, टू कैलकुलेट द मीडियम ऑफ द डेटा फ्रेम, हमें कंप्लीट डेटा फ्रेम का मीडियन निकालना है, राइट. तो हमने df डॉट मीडियन फंक्शन दे दिया. देखो यहाँ पे नेम का तो निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज है, एज, एज की जो मिडिल वैल्यू है राइट वो निकल के आ जाएगी. तो यहाँ पे देखो पहले ये अरेंज कर देगा इसको सबसे छोटी वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू के बीच में. तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 21 है, फिर 22 है, देन 23 है, देन आपका 24 है, 25, 26, 27. तो इसने 24 को निकाल के दे दिया एज द मिडल वैल्यू और यू कैन से एज द मीडियन, राइट. ऐसे ही स्कोर जो कॉलम है उसकी वैल्यूज को ये फर्स्ट क्या करेगा, अरेंज करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, मींस फ्रॉम स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द लार्जेस्ट वैल्यू, और फिर मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करेगा. तो हमारे पास यहाँ पे मिडिल वैल्यू इसकी निकल के आ गई है 77. ओके तो आपने सिंपल क्या यूज किया था, df डॉट मीडियन. तो इसने क्या किया, डेटा फ्रेम के जो भी न्यूमरिक कॉलम्स हैं उनका मीडियन निकाल के आपको शो कर दिया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द स्पेसिफिक कॉलम स्कोर, अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम का मीडियन निकालना है तो आप कैसे दोगे, df डॉट लॉक, यहाँ पे हमने लॉक फंक्शन का यूज किया है. ओके आपने डबल कॉलम दिया है, डबल कॉलम किस लिए है, नंबर ऑफ द रोज, राइट, नंबर ऑफ द रोज डिफाइन करने के लिए. तो यहाँ पे ऑल द रोज यू हैव डिफाइंड फ्रॉम फर्स्ट रो टू द लास्ट रो. ओके फर्स्ट रो से स्टार्ट होगा, लास्ट रो तक ये जाएगा, और आपने कॉलम क्या लिया है, स्कोर, मतलब स्कोर की फर्स्ट रो से लास्ट रो तक. ओके और हमने रोज यहाँ पे क्यों लिए, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है. मीडियन क्या करेगा, जितनी भी वैल्यूज है सबको अरेंज करेगा ओके इन असेंडिंग ऑर्डर, देन इट विल फाइंड आउट द मिडल वैल्यू. ओके उसके बाद वो क्या करेगा, मीडियन निकालेगा. ओके मिडल वैल्यू को निकालेगा. तो यहाँ पे स्कोर जो कॉलम है उसकी मिडल वैल्यू क्या है, 77 आपके पास यहाँ पे आ गई. ओके नाउ टू कैलकुलेट द कॉलम मीडियम ऑफ द डेटा फ्रेम, अगर वैसे बाय डिफॉल्ट अगर एक्सेस भी नहीं दोगे तो अगर आप df डॉट मीडियम दे दोगे तो भी वो क्या करेगा, डेटा फ्रेम के जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स हैं उनका मीडियम निकाल के दिखा देगा. लेकिन यहाँ अगर आप देना चाहते हो एक्सेस इक्वल टू जीरो मीन्स कॉलम वाइज, तो आपका यहाँ पे कॉलम वाइज देखो मीडियम वैल्यू निकल के आ गई है 24 एंड 77. ओके नेक्स्ट वी हैव मोड फंक्शन. मोड फंक्शन इन पाइथन पांडास इज यूज टू कैलकुलेट द मोड और द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स. आपके पास क्या है, एक नंबर सेट ऑफ नंबर्स है, मतलब आपके पास एक लिस्ट है वैल्यूज की, जिसमें से आप जो मोड फंक्शन है वो क्या निकालेगा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मतलब जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है. ओके सिंटेक्स क्या है मोड फंक्शन का, df कॉलम नेम, जिस कॉलम में से आपको क्या निकालना है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को निकालना है उस कॉलम का आप नेम लिखोगे, डॉट
साथ मोड फंक्शन। मोड फंक्शन के अंदर आप एक्सिस को पास कर सकते हो कि आपको कॉलम वाइज मोड निकालना है या रो वाइज। एक्सिस जीरो मीन्स कॉलम वाइज, एक्सिस वन मीन्स रो वाइज। न्यूमरिक ओनली आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, पैरामीटर दे सकते हो, न्यूमरिक ओनली इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू दोगे तो क्या होगा, वो सिर्फ न्यूमरिक जो कॉलम्स है उनका ही मोड निकालेगा, राइट। और फॉल्स है तो वो क्या है, जो आपके स्ट्रिंग कॉलम्स है, राइट, उसमें भी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को इट विल फाइंड आउट, राइट। अभी मैंने बताया एक्सिस जीरो मीन्स टू गेट द मोड ऑफ ईच कॉलम, एक्सिस वन मीन्स टू गेट द मोड ऑफ ईच रो। नाउ इफ न्यूमरिक ओनली एट्रीब्यूट इज सेट टू ट्रू, अगर न्यूमरिक ओनली आपने ट्रू सेट किया है, मोड इज अप्लाइड ओनली ऑन द न्यूमरिक कॉलम्स, ओके। मोड क्या होगा, सिर्फ न्यूमरिक कॉलम पे अप्लाई होगा। बाय डिफॉल्ट न्यूमरिक ओनली एट्रीब्यूट इज फॉल्स, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, फॉल्स। अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया है तो ये स्ट्रिंग कॉलम के भी मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज को शो करेगा, फाइन। सो हियर वी हैव द एग्जाम्पल टू कैलकुलेट मोड ऑफ स्कोर कॉलम। अगर आपको स्कोर कॉलम का मोड निकालना है, मीन्स मोस्ट रिपीटेड वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कमांड दोगे, df डेटा फ्रेम का नेम स्कोर कॉलम नेम डॉट मोड फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे इसकी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आ गई 85। देखो 85 यहाँ पे 1, 2 and 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, बाकी इतने नंबर रिपीट नहीं हुए, तो आपकी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल टू कैलकुलेट मोड ऑफ एज कॉलम, एज कॉलम का मोड आ गया आपका, आया है 22। तो 22 आपका देखो यहाँ पे 3 टाइम्स आपका 22 रिपीट हुआ है, जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है, तो आपका एज कॉलम्स में से आ गया 22, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल टू कैलकुलेट मोड ऑफ नेम कॉलम, अब क्या करना है, हम यहाँ पे नेम कॉलम का मोड निकालेंगे, राइट। मोड क्या है, आप स्ट्रिंग वैल्यूज पे भी, मोड जो फंक्शन है आप स्ट्रिंग वैल्यू पे भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। मीन और मीडियन फंक्शन आप सिर्फ न्यूमरिक वैल्यूज पे अप्लाई कर सकते हो, बट मोड फंक्शन आप स्ट्रिंग वैल्यूज पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे df क्या है, आपका डेटा फ्रेम का नेम, ओके, नेम आपका कॉलम का नेम डॉट मोड। तो यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो क्या है, अर्जुन है। देखो अर्जुन यहाँ पे 1, 2 and 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, बाकी वैल्यूज रिपीट नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया अर्जुन, राइट, क्योंकि अर्जुन क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, ओके। नेक्स्ट वी हैव क्वांटाइल फंक्शन। क्वार्टाइल्स इन स्टेटिस्टिक्स आर वैल्यूज दैट डिवाइड डेटा इनटू क्वार्टर्स। तो क्वार्टाइल्स क्या है, वो वैल्यू है जो डेटा को, जो भी सेट ऑफ डेटा है, राइट, सेट ऑफ वैल्यूज है, उसको डिवाइड करती है 4 इक्वल पार्ट्स में, राइट, ओके। द क्वांटाइल फंक्शन गिव्स द क्वार्टाइल ऑफ ईच कॉलम और रो ऑफ द डेटा फ्रेम इन 4 पार्ट्स। तो जो क्वांटाइल फंक्शन होता है वो क्या करता है, जो डेटा फ्रेम का जो भी कॉलम है या रो है उसको डिवाइड करता है 4 इक्वल पार्ट्स में, जिसको आप क्या बोलते हो, क्वार्टाइल, ओके। देखो क्वांटाइल फंक्शन क्या करता है, क्वार्टाइल्स में डिवाइड करता है किसको, कॉलम एंड रोज को डेटा फ्रेम के, राइट। That is the first quartile is 25%, जो first part है, या फिर आप कहोगे जो first quartile है वो 25% है, second क्या होता है 50%। देखो इतना area आपका हो गया 25%, right? और इतना area आपका हो गया 50%। The third quartile is 75%, फिर आपका इतना area हो गया, मतलब इतनी values हो गया 75% एंड टोटल आपका 100, राइट। तो यहाँ पे क्या है, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज क्वार्टाइल्स, राइट, एंड इनको कौन क्रिएट करता है, इनको क्रिएट करता है क्वांटाइल फंक्शन, राइट। द क्वांटाइल फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू एट द गिवन क्वांटाइल्स ओवर रिक्वेस्टेड एक्सिस, एक्सिस 0 और 1। तो यहाँ पे क्वांटाइल फंक्शन क्या करता है, आपको क्वार्टाइल्स प्रोवाइड करता है और अकॉर्डिंग टू द एक्सिस, जो भी आपने एक्सिस उसके अंदर पास किया है, 0 एक्सिस पास किया या 1 किया, 0 फॉर द कॉलम एंड 1 फॉर द रो, राइट। नाउ Q1 इज द फर्स्ट क्वार्टाइल, यहाँ पे देखो Q1 जो हमारा है वो फर्स्ट क्वार्टाइल है, वो कितना परसेंट है, 25%, ओके। Q2 इज द सेकेंड क्वार्टाइल एंड Q2 क्या है आपका, 50% है, 50% है, ओके, ऑल्सो कॉल्ड मीडियन, राइट। तो जो आपका सेकेंड क्वार्टाइल होता है, 50% होता है, उसको आप मीडियन भी बोलते हो, राइट। Q3 इज द थर्ड क्वार्टाइल एंड इट इज 75%, ओके। Now we have terms here, the second quartile are called median, जो Q2 होता है आपका, second quartile होता है, उसको आप क्या बोलते हो, median, right? जो two parts को बना के मिलता है, बनता है quartile, okay, उसको बोलते हैं median, right? The third quantiles are called terciles, जो Q3 होता है आपका, राइट, 75% जो होता है उसको आप क्या बोलोगे, टर्साइल्स, ओके। एंड द फोर क्वांटाइल्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स, एंड जो फोर्थ, जो टोटल आपका कंप्लीटली 4 पार्ट्स
मिला के बनता है उसको आप क्या बोलोगे, क्वार्टाइल्स। ओके, तो सेकंड क्वार्टाइल क्या हो गया, मीडियन। थर्ड क्वार्टाइल हो गया आपका टर्साइल्स, एंड फोर्थ क्वार्टाइल हो गया आपका क्वार्टाइल्स, राइट। और ऐसे इंक्रीज करते जाते हैं तो दे हैव डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। ओके, अगर आप फाइव पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो दे हैव द डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। सिक्स पार्ट्स आप कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम फोर क्वार्टाइल्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल्स। ओके, now here we have example to implement quantile using the pandas data frame. okay, आप यहाँ पे quantile का हम देखेंगे कैसे implement करेंगे। program on quantile आपने पहले import किया pandas as pd, numpy library को भी हम import कर लेते हैं, pandas library को हमने import किया, right। अब क्या कर रहे हैं, create कर रहे हैं आप यहाँ पे data frame को। okay, df equals to pd dot data frame, data frame function के अंदर आपने क्या, किससे आप create कर रहे हो data frame को, arrays से, right। और यहाँ पे आपने क्या किया, np dot array function के अंदर list को pass किया, तो ये list convert हो जाएगी array के अंदर। okay, ये list convert हो जाएगी in the form of array, और array से आप बना लोगे data frame, right। और आपने columns दे दिए a and b। okay, now you will get the data frame df, आपका data frame df आ जाएगा, आपने data frame df को print करा दिया। तो यहाँ पे देखो आपका data frame df ये है, okay, a and b, राइट। आप यहाँ पे डेटा फ्रेम किसी भी प्रोसेस से, किसी भी मेथड से क्रिएट कर सकते हो, राइट। जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, अब हमने क्या किया, प्रिंट आपने स्लैशन दे दिया फोर ब्रेक ऑफ वन लाइन, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्वांटाइल निकालेंगे डेटा फ्रेम का। आपने दे दिया प्रिंट कमांड डी एफ डॉट क्वांटाइल, और क्वांटाइल में आपने दे दिया 50% 0.5, राइट, 50% क्वांटाइल और मीडियन। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका जो 50 जो ए है, ए कॉलम, उसकी जो वैल्यूज है, ओके, उसका 50% आ गया आपका, देखो 2.5, राइट, 1, 2, 3, 4 का आ गया आपका 2.5, और जो बी कॉलम है उसका 50% आपके पास आ गया 55, राइट, जो भी वैल्यूज है। ओके, तो आपने यहाँ पे मीडियन निकाल लिया, नेक्स्ट आपने यहाँ पे वन लाइन का गैप, देन डी एफ डॉट क्वांटाइल प्रिंट करा दिया इसको 10% 0.1, ओके, एंड 0.25 25%, 0.5 मींस 50%, देन 0.75, ओके। और एक्सिस क्या है आपका, कॉलम एक्सिस है, 0 मींस कॉलम एक्सिस, तो यहाँ पे 25% 50% एंड 75% आ जाएगी जो भी वैल्यूज हैं। अब देखो ए का आपका 10% है यहाँ पे, देन 25%, देन 50%, देन 75%, ऐसे ही बी का 10%, देन 25%, 50% एंड 75%। यहाँ पे ये कैलकुलेशन आपको कुछ नहीं करनी है, यहाँ सिंपली आप फॉर्मूला लगाओगे क्वांटाइल का, आपके पास क्वार्टाइल्स आ जाएंगे, फाइन। नेक्स्ट वी हैव वेयर फंक्शन। द वेयर फंक्शन इन पाइथन पांडास इज यूज्ड टू कैलकुलेट वेरियंस ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर। वेयर फंक्शन का क्या यूज है, इससे आप वेरियंस निकाल सकते हो फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर, जो भी आपको नंबर का सेट दिया गया है, वैल्यूज का सेट आपके पास है, वेरियंस ऑफ अ डेटा फ्रेम, आप डेटा फ्रेम का वेरियंस निकाल सकते हो, वेरियंस ऑफ द कॉलम एंड द रोज ऑफ द डेटा फ्रेम, राइट। और वेरियंस होता क्या, इट इज द एवरेज ऑफ स्क्वेयर डिफरेंस फ्रॉम द मीन। ओके, ये मैं भी आपको समझाती हूँ क्या है ये, राइट। देखो ये हमारे पास वेरिएंस क्या है, वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ स्क्वेयर्ड डिफरेंस फ्रॉम द मीन। तो सबसे पहले जो भी आपके पास वैल्यूज है, राइट, एक आपके पास डेटा सेट है, आपने उसको ऑब्जर्वेशन लिया, जो भी लिया, राइट, उसका आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मीन निकालना है। मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ द डेटा। तो आपने क्या किया, वैल्यूज को, जितनी भी वैल्यूज है उनको एड किया, एंड यू डिवाइडेड दीज वैल्यूज बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज को ऐड किया, और कितनी वैल्यूज है उससे आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास एवरेज आ गया। ओके, तो सेकेंड स्टेप क्या है, हाउ फार दीज ऑब्जर्वेशन आर फ्रॉम 12। आपको ये पता करना है कि आपका मीन जो एवरेज वैल्यू है वो 12 आ गया अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो आपको बताना है जो ऑब्जर्वेशन है, जो वैल्यूज है, वो 12 से कितना दूर है। तो आप क्या करोगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको 12 से माइनस कर दोगे, 12 माइनस 10, 12 माइनस 12, देन 12 माइनस 13, 12 माइनस 14, जो भी आपकी वैल्यूज है, राइट। अब देखो वेरियंस क्या है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस, एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस। तो आपने क्या किया, जो स्क्वायर्ड डिफरेंसेस, जो पहले आपने डिफरेंस निकाल लिया यहाँ पे मीन से, फ्रॉम द मीन, एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन, सबसे पहले मीन निकाला, अब डिफरेंस निकाला, ठीक है, वैल्यूज का मीन से, ओके, जो भी वैल्यूज है उनका मीन से आपने डिफरेंस निकाला, मतलब उसको सब्ट्रैक्ट किया। अब क्या करना है, स्क्वायर डिफरेंसेस
कैसा डिफरेंस, स्क्वायर डिफरेंस है, तो आपने इनका क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, ठीक है, जो भी वैल्यूज थी उसका आपने, जो भी आप डिफरेंस निकाल रहे हो उसका आपने स्क्वायर कर लिया, जितनी वैल्यूज थी उनका स्क्वायर कर लिया, एंड उसके बाद आपको क्या निकालना है, इनकी एवरेज निकालनी है, ओके, स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन, स्क्वायर डिफरेंस आपका ये निकल के आ गया, ये आपका स्क्वायर डिफरेंस है, ओके, फ्रॉम द मीन, स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन, अब आपको इसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है, अब आपको इसकी एवरेज निकालनी है, तो आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज और यू कैन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो पहले आपने क्या कहता है, स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन, पहले आपने मीन से डिफरेंस निकाला, उसको स्क्वायर किया, अब आपको एवरेज निकालनी है, तो आपने क्या किया, जो भी डेटा, जो भी डिफरेंसेस है उनको एड कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया बाय द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज, ओके, नाउ व्हाट एवर नंबर वी गेट, जो भी अब रिजल्ट आएगा वो क्या है, वेरियंस ऑफ द डेटा, वो इस पर्टिकुलर डेटा सेट का क्या है, वेरियंस है, ठीक है, समझ आया, वेरियंस क्या है, वेरियंस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन, तो सबसे पहले मीन निकाला, फिर मीन का डिफरेंस निकाला वैल्यूज के साथ, उस वैल्यूज जो भी डिफरेंस आया उसको हमने स्क्वायर किया और उस स्क्वायर का एवरेज निकाल लिया, और वो वैल्यू जो रिजल्ट आया वो हमारा क्या है, वेरियंस है, ओके, नो हेयर वी हैव द एग्जाम्पल प्रोग्राम फॉर कंप्यूटिंग वेरियंस, ओके, यहाँ पे आपने पांडास को इम्पोर्ट किया, पांडास लाइब्रेरी को, नंपाई को इम्पोर्ट किया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, राइट, जिसकी की वैल्यूज क्या है, की है नेम एंड वैल्यूज उसकी एज अ लिस्ट है, एज एंड स्कोर, राइट, आपने इस डिक्शनरी को पास कर दिया डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर, तो अब ये डिक्शनरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी, आपने कॉलम्स नेम दे दिए एक्सप्लिसिटली, नेम, एज एंड स्कोर, राइट, एंड डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया, तो ये आपका डेटा फ्रेम प्रिंट होके आ गया, अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको वेरियंस निकालना है डेटा फ्रेम का, आपने क्या किया, df डॉट वेयर फंक्शन का यूज किया, अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रिंग वैल्यूज है, मतलब जो नेम कॉलम है उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज है, उसका वेरियंस नहीं निकलेगा, राइट, ओके, या किसका निकलेगा, नंबर वैल्यूज का निकलेगा, तो आपका एज का वेरियंस आ गया है एंड स्कोर का वेरियंस आ गया, और वेरियंस क्या होता है मैंने भी आपको समझा दिया है, राइट, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम डॉट वेयर फंक्शन का यूज, इससे आपका डेटा फ्रेम के जो भी नंबर कॉलम्स हैं, ओके, उनका क्या निकल के आ जाएगा, वेरिएंस निकल के आ जाएगा, ओके, अगर आपको कॉलम, जो डेटा फ्रेम के कॉलम्स हैं उनका वेरिएंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, वेयर फंक्शन के अंदर एक्सिस इक्वल्स टू जीरो आर्गुमेंट को पास करोगे, राइट, एक्सिस इक्वल टू जीरो आर्गुमेंट कैलकुलेट द कॉलम वाइज वेरियंस ऑफ द डेटा फ्रेम, तो दिस इज योर डेटा फ्रेम, सिंपली आपने क्या कमांड दिए, df डॉट वेयर, और उसमें पास कर दिया एक्सिस इक्वल टू जीरो, जीरो मीन्स कॉलम वेरियंस, तो मैंने भी आपको बताया था स्ट्रिंग जो कॉलम है उसका वेरियंस नहीं निकलेगा, जो आपके न्यूमेरिकल कॉलम्स है उनका वेरियंस आपके पास निकल के आ जाएगा, ये रहा, देन अगर आपको ओनली रो वाइज वेरियंस निकालना है तो आप क्या करोगे, एक्सिस वन पास करोगे वेयर फंक्शन के अंदर, एक्सिस वन आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट द रो वाइज वेरियंस ऑफ द डेटा फ्रेम, तो यहाँ पे रो वाइज वेरियंस निकल जाएगा आपका डेटा फ्रेम का, तो रो वाइज मतलब यहाँ पे ये दो वैल्यूज का निकलेगा, फिर ये दो वैल्यूज का निकलेगा, ओके, टू वैल्यूज, तो यहाँ पे ये आपका वेरियंस निकल के आ गया है, राइट, और मैं आपको बता चुका, ओके, सो वेरियंस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन, अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम का निकालना है तो आप स्पेसिफिक कॉलम का वेरियंस निकाल सकते हो, df डॉट लॉग फंक्शन का यहाँ पे यूज हुआ है, तो यहाँ पे डबल डॉट मीन्स जो कॉलन है, कॉलन मीन्स यहाँ पे ऑल द रोज, इट विल कवर ऑल द रोज एंड द कॉलम एज, राइट, कॉलम एज की साइड रोज को ये कवर करेगा, एंड डॉट आपने वेयर फंक्शन दे दिया है, तो यहाँ पे जो आपका कॉलम एज है, राइट, उसकी जितनी भी वैल्यूज है उसका वेरियंस निकल के आ गया है, फाइन, नेक्स्ट वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन, द एसटीडी फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे हम एसटीडी फंक्शन का यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए, ओके, फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ एलिमेंट, जो भी आपको वैल्यूज दी गई है, राइट, इट इज यूज टू रिटर्न द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स, आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, एक डेटा फ्रेम का और कॉलम और रोज ऑफ डेटा फ्रेम, राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस, आपने वेरियंस निकाल लिया, वेरियंस क्या होता है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन, राइट, और आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो आप वेरियंस आया है उसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, फाइन, सिंटेक्स क्या है, df क्या है, डेटा फ्रेम का नेम, कॉलम नेम, ओके, जिस भी पर्टिकुलर कॉलम का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, डॉट std फंक्शन,
राइट, डीएफ डॉट एस टी डी एक्सिस जीरो, एक्सिस जीरो क्या होगा, डेटा फ्रेम के कॉलम्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा जितने भी कॉलम्स हैं, और अगर आप एक्सिस वन पास करते हो एस टी डी फंक्शन के अंदर तो वो क्या करेगा, डेटा फ्रेम की रोज का जितनी भी रोज है, न्यूमेरिकल रोज है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपको डिस्प्ले करेगा. ओके, नाउ हियर वी हैव एग्जांपल टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कॉलम एज एंड स्कोर ऑफ द डेटा फ्रेम डीएफ. अगर आपको डेटा फ्रेम डीएफ के दो कॉलम्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आपने लिखा डीएफ डेटा फ्रेम का नेम एज, ओके, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट एज एंड स्कोर कॉलम डॉट एस टी डी फंक्शन. राइट, तो यहाँ पे जो क्या है आपका एज कॉलम का और स्कोर कॉलम का क्या निकल के आ गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गया है. फाइन, यहाँ पे आपको खुद से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपली फॉर्मूला लगाना है और ये इट विल कैलकुलेट द वैल्यू इटसेल्फ. राइट, ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.